हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स पढ़ेंगे, यानी साइक्लोएल्केन्स बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली विधि हम देखते हैं कि फ्रॉम अल्फा ओमेगा डाइहेलोएल्केन्स से आप किस तरह से साइक्लोएल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके, जिसे फ्रेंड्स मेथड भी कहते हैं, ओके। और इसके अलावा इसे इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं, तो इन सभी नामों से आप इसे जान सकते हैं। क्या करते हैं हम, ये है हमारा अल्फा ओमेगा डाइहेलोएल्केन, ठीक है, डाइहेलोएल्केन। अब इसकी रिएक्शन में जिंक के साथ करवाती हूँ, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जो ये ZnBr2 निकल जाता है, और यहाँ पे ये जो कार्बन कार्बन है इसके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको एक साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड मिलेगा इस विधि द्वारा, ओके, साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड मिलता है, प्रोपेन कंपाउंड। अब इस विधि की एक लिमिटेशन है कि इसमें जो है आप सिक्स मेंबर रिंग से ज्यादा बड़ी रिंग नहीं बना सकते, ठीक है, सिक्स मेंबर रिंग तक आप बना सकते हैं इस मेथड से, इससे बड़ी रिंग जो है आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है यहाँ पे, अगेन अल्फा ओमेगा हेलो डाई हेलोजन, दो हेलोजन है तो डाई हेलोजन, ठीक है, तो अल्फा ओमेगा डाई हेलोजन कंपाउंड हमने लिया है यहाँ पे, अगेन उसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ करवाते हैं यहाँ पे। तो ये क्या करता है, दो सोडियम एटम ही हमने लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करता है, इसके साथ जो है वो रिएक्ट करके अगेन फोर मेंबर रिंग बनाता है, जिसे हम साइक्लोब्यूटेन कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन, ओके। तो इसका फॉर्मेशन ये यहाँ पे कर देता है और साथ में 2NaBr निकल जाता है, ओके। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी अल्फा ओमेगा डाइहेलोएल्केन्स के द्वारा, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाँ, आपको ये डाउट हो रहा होगा कि अल्फा ओमेगा का क्या मतलब है। देखो, अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे हैं तो उसे हम कहते हैं जेम हेलोजन, ठीक है। अगर इस तरह से कोई हाइड्रोजन लगे हैं, यानी कि दो कार्बन हैं वो आपस में एक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं और दोनों कार्बन से अलग अलग, जिस कार्बन से दोनों हेलोजन लगे हुए हैं वो दोनों एक दूसरे से एक बॉन्ड द्वारा एक बॉन्ड के डिस्टेंस पर है, तो इसे हम कहते हैं विसिनल कार्बन। फर्स्ट को क्या कहते हैं, जेम कार्बन, दूसरे को क्या कहते हैं, जिसमें एक बॉन्ड का डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं विसिनल कार्बन। और ये जो दोनों हेलोजन लगे हुए हैं, जिस कार्बन से लगे हुए हैं, अगर उनके बीच में एक से ज्यादा कहते हैं बॉन्ड का डिस्टेंस हो, तो ऐसे जो हेलोजन डाई हेलोजन है वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके अल्फा ओमेगा हेलोजन्स डाई हेलोजन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अल्फा ओमेगा डाई हेलोजन्स की रिएक्शन जो है वो जिंक की प्रेजेंस में या फिर सोडियम मेटल की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो साइक्लोएल्केन्स जो है हमें मिलते हैं, पर सिक्स मेंबर से ज्यादा बड़ी रिंग यहाँ पे बनना पॉसिबल नहीं है, ओके। तो ये इस मेथड की एक लिमिटेशन है, कमी है, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा मेथड है हमारे पास विस्लेनस मेथड, ठीक है, हिंदी में भी इसे अगर विस्लेनस ही कहेंगे, हिंदी में लिख लेते हैं विस्लेनस एक मिनट, विस्लेनस विधि, ओके। क्या होती है ये विधि, हम जो है कंपाउंड को, ये लिया है हमने एडिपिक कंपाउंड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है हमने, डाई कार्बोक्सिलिक क्यों कह रहे हैं, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारे इस सबस्ट्रेट में, ओके। तो हम कोई एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसकी रिएक्शन जो है वो करवाते हैं कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो है उसका ये, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मैंने कैल्शियम के साथ करवाई, तो ये मुझे यहाँ पे इसका एक कंपाउंड मिलता है जो कहलाएगा यहाँ पे कैल्शियम एडिपेट, ठीक है, कैल्शियम एडिपेट का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, राइट।
तो किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम या फिर बेरियम की प्रेजेंस में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर कैल्शियम मैंने स्पेशली लिया है तो कैल्शियम एडिपेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं हम इस कैल्शियम एडिपेट को जो है हीट करते हैं, और हीट करने की वजह से यहाँ से एक कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो निकल जाता है। हीट करने की वजह से क्या निकलेगा, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिलीज हो जाएगा, CaCO3 रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे इसके बीच में जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपल है, ओके। पूरा मैं आपको इसके बारे में इसके मैकेनिज्म डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिंपल सा आप देख लो। जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वैसे आपके कोर्स में भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म मैं आपको बता दूंगी थोड़ा बहुत, ओके। तो ये इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकल जाता है हीट करने पर, और ये हमारा एक कंपाउंड बनता है। ये जो कंपाउंड बना है ये आपका एक साइक्लिक कीटोन है, साइक्लिक कीटोन बन जाता है यहाँ पे। ये कीटो ग्रुप है C11O, ठीक है। अब ये जो कीटो ग्रुप बना है ना, इसकी रिएक्शन हम आगे करवाते हैं। इसका एक्चुअल में हम क्लीमेंशन जो है वो रिडक्शन करवाते हैं यहाँ पे, और क्लीमेंशन रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, जिंक अमलगम HCl की प्रेजेंस में, यानी एसिड की प्रेजेंस में होता है। और यहाँ पे आपको इसके प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे जो अटैक करने वाले जो रिएजेंट है वो क्या होते हैं, चार हाइड्रोजन मिलते हैं। जिंक अमलगम एसिड की प्रेजेंस में साइक्लिक कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, क्लीमेंशन अपचयन करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, सिंपल सा हाइड्रोजन जाके टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमें चार हाइड्रोजन मिलते हैं, और ये चार हाइड्रोजन जाके यहाँ पे अटैक करते हैं इस कार्बोनिल ग्रुप पे, जिसमें से दो हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन को लेके निकलते हैं और H2O का फॉर्मेशन करते हैं, और दो हाइड्रोजन जो है इस वाले कार्बन पर लग जाते हैं। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह से बनता है, CH2, ये आपका एक साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है लास्ट में, ओके। ये दो हाइड्रोजन इस पे लग जाते हैं, और इस पर जो ऑक्सीजन था वो दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O का एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है। और ये जो जिंक अमलगम की एसिड की प्रेजेंस में साइक्लिक कीटोन के साथ जो चार हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, ये क्या कहलाता है आपका, क्लीमेंशन अपचयन। क्या कहलाता है, क्लीमेंशन अपचयन की अभिक्रिया होती है ये, ठीक है। आपने रिडक्शन करवा दिया कार्बोनिल ग्रुप का, इस कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करवा दिया, फाइन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है यहाँ पे कि नेक्स्ट साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड। आपने कोई एरोमेटिक कंपाउंड लिया है और उसका अपचयन करवा दिया है, ठीक है। तो उस तरीके से भी यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है, साइक्लोएल्केन्स का। जैसे कि निकल की प्रेजेंस में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो बेंजीन का रिडक्शन करवाया जाए, तो ये जो भी डबल बॉन्ड लगे हुए ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटते हैं और एक एक हाइड्रोजन जो है वो लग जाता है। जैसे यहाँ पे ओवरऑल कितने हाइड्रोजन है, 3×2 6 हाइड्रोजन है, तो ये जो बेंजीन है, ठीक है, इसका एक एक बॉन्ड, जैसे कि यहाँ से बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एक लगा, यहाँ पे एक लगा, यहाँ एक बॉन्ड था, ठीक है, यहाँ एक बॉन्ड था, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ लगेगा, यहाँ यहाँ से एक बॉन्ड था वो टूटेगा यहाँ लगेगा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन्स लग जाते हैं, जैसे कि ये लग गया आपके यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाते हैं। जो भी 6 हाइड्रोजन थे हमारे पास निकल के प्रेजेंस में वो लग जाते हैं। तो सिंपली हम कहेंगे यहाँ पे कि फॉर्मेशन किसका हो गया, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो गया अल्टीमेटली, राइट। इसी तरीके से अगेन फिनोल भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी भी निकल के प्रेजेंस में 200 डिग्री टेम्परेचर का ध्यान रखना, अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड में टेम्परेचर अलग अलग है। हालांकि आप अपचयन तो निकल के प्रेजेंस में ही करवा रहे हैं, पर फिनोल के केस में टेम्परेचर होगा 200 डिग्री और सिंपल बेंजीन के केस में होगा 180 डिग्री, ओके। वही केस है यहाँ पे भी, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाते हैं जैसे इसमें लगे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे भी आपका ये एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। इसे हम कहेंगे साइक्लो
हेक्सानोल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोल। तो इस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड का यूज करके भी आप साइक्लो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन करवाना है यहाँ पे हमें किसकी प्रेजेंस में, सॉरी किसको यूज करते हुए, मेलोनिक एस्टर को यूज करते हुए। और इसको यूज करते हुए जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये पूरा मेथड जो है वो परकिंस मेथड कहलाता है। ओके, अब देखो सिंपल सा इसमें क्या होता है, आपने एक मेलोनिक जो है एस्टर लिया है, ओके, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइडो की रिएक्शन मेलोनिक एस्टर के साथ करवाई जाती है। ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह का अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है, ठीक है, डाई हैलाइड है। अब ये जो कार्बन नंबर है ना ये दूसरे भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने लिए है तीन कार्बन है यहाँ पे इस रिंग में, और ओवरऑल मानो तो कितने हैं, छह है, आप पांच भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड ये कंपाउंड है हमारा, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, मेलोनिक एस्टर के साथ करवाई है। मेलोनिक एस्टर का एक अणु लिया है तथा सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड के दो अणु लिए हैं के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे आपको डाई एस्टर प्राप्त होता है। ये क्या है, ये एस्टर ग्रुप है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एस्टर ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की रिएक्शन एक मेलोनिक एस्टर, देख लो ये मेलोनिक एस्टर के साथ दो अणु सोडियम इथोक्साइड, दो अणु सोडियम इथोक्साइड के साथ करवाए तो आपको एक डाई एस्टर प्राप्त होता है। ये आपका डाई एस्टर प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद उसका जल अपघटन और वी कार्बोक्सिलेशन करवाने पर आपको जो है, जल अपघटन करवाया है उसके बाद जो है वी कार्बोक्सिलेशन करवाने पर आपको एक साइक्लो एल्केन की प्राप्ति होती है। अब ये मेथड सिंपल है, इसका कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली इसका मैकेनिज्म में अगर देखे तो यही देख लो मैकेनिज्म में क्या है, ये सबसे पहले तो क्या होता है, देखो ये जो है ना CH2COOC2H5, ठीक है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, 2NaOC2H5 के साथ। तो यहाँ से क्या होता है, ये दोनों जो है वो H निकल जाते हैं और क्या बनता है यहाँ पे Na+, Na+ का फॉर्मेशन होता है और ये बनता है 2-COOC2H5, ओके। अब यही जाके क्या करता है, आगे अटैक करता है, किस पे अटैक करेगा, सिंपल है, ये जाके अटैक करेगा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड पर। ये जाके जैसे ही अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड पर अटैक करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले लूं, इसी का ले लेता है, ये छह कार्बन वाला लेते हैं हम, एक दो तीन चार, ओके, ये पांच हो गए, ठीक है, ये हो गया Br लगा है यहाँ पे, ये CH2 है हमारा और यहाँ पे CH2, ये Br। अब इसने क्या किया, इस जो बना है हमारा इसके साथ कर दिया रिएक्ट, ओके। तो यहाँ से इसने क्या किया, ये दो Br लेके गया, दोनों सोडियम दो Br लेके गए, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक दो NaBr यहाँ से निकल गए, ओके। और फाइनली यहाँ पे बना क्या, ये बनेगा CH2, ये कार्बन पे लगा, ये COOC2H5 2, ओके, ये बन गया आपका जैसे कि ये वाली स्ट्रक्चर, ओके। अब क्या करवाना है, इसका जल अपघटन करवाना है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो इसको खोल के लिखते हैं, NaBr तो निकल गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओके। अब हमें करवाना है इसका जल अपघटन, जल अपघटन करवाएंगे
तो H2O के साथ प्रेजेंस में करवाएंगे तो यहाँ से आके क्या करेगा, ये OH माइनस आके सीधा इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन पर अटैक करेगा यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा किस पे, यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा चार्ज। तो यहाँ बेसिकली देखें तो इसी की बात करें अगर हम इसी ग्रुप की, तो ये जो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ है C2H5, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया और यहाँ से आके OH जुड़ गया और ये तो था ही C2H5। ओके, अब यहाँ से ये चार्ज वापस गया, इधर ट्रांसफर हुआ और जाते ही फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन पर आया क्या माइनस चार्ज और यहाँ से ये निकल गया। तो फाइनली फिर क्या हुआ, ये देखो ये C डबल बॉन्ड O बन गया वापस, ये OH तो लग ही गया था, ये O C2H5। देखो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहाँ पर सेम प्रोसेस कहाँ होता है, सेम प्रोसेस इस ग्रुप पर भी होता है। तो फिर लास्ट में बनता क्या है, यहाँ पे दोनों पे बन जाता है CH2, दोनों पे ही ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही दोनों पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया है, जल अपघटन तो करवा दिया हमने, अभी हमें क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन करवाना है। तो हम करते हैं यहाँ पे हीट इसको। ओके, हीट करते ही क्या होगा, यहाँ से जो है ये CO2 निकल जाएगा और यहाँ से ये CO2 निकल जाएगा और ये HH जाके कार्बन पे लग जाता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से ये कार्बन था और ये CO2 निकल गया और यहाँ पे दोनों H। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन एक तरीके से। तो इसे समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया है साइक्लोहेक्सेन। तो परकिंस मेथड द्वारा भी आप साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ओके, लास्ट में जाके क्या, डायएस्टर बनने के बाद आप उसका जल अपघटन करवाएंगे और जल अपघटन करवाने के बाद उसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिकमैन्स मेथड। फाइन, डिकमैन्स मेथड जो है वो बेस्ट मेथड है फॉर फॉर्मेशन ऑफ 5 and 6 मेंबर रिंग। अगर आपको 4 मेंबर रिंग बनानी है, 4 मेंबर की रिंग बनानी है, या फिर आपको सॉरी 5 मेंबर की रिंग बनानी है, या फिर आपको 6 कार्बन युक्त रिंग बनानी है, तो उसके लिए डिकमैन मेथड जो है सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ पे। ओके, इसमें भी डिकमैन मेथड में क्या होता है, बेसिकली इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो एस्टर होते हैं, ओके, वो यूज में लिए जाते हैं रिएक्शन करवाने के लिए। फाइन, और वो रिएक्ट करते हैं सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी, ये देखो ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, ये ठीक है, बेसिकली ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप है ET। ठीक है, यही ग्रुप है, इसे हम कह रहे हैं क्या होता क्या है, नॉर्मली कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है ये। अब H को हटा के हमने क्या लगा दिया, ET, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर है, या क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे यहाँ पे ग्रुप होंगे और दोनों हाइड्रोजन पे जाके क्या लग गया है यहाँ पे ET, तो हम कहेंगे ये जो कंपाउंड हम यूज में ले रहे हैं सब्सट्रेट, वो क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एस्टर है। ओके, वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वो रिएक्ट करते हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ, ये सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, इथोक्सी ग्रुप और सोडियम लगा हुआ है, तो सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम ये रिएक्शन कैसी होती है, ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन करवाते हैं, और इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन करवा के ये क्या करते हैं, साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है इसके द्वारा। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट करती हूँ वापस से, 5 या 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए बेस्ट मेथड है। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर यूज में लिए जाते हैं यहाँ पे, जो इथोक्सी सोडियम इथोक्सी की प्रेजेंस में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन द्वारा साइक्लिक कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जब ये साइक्लिक कीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके, फिर जो है यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे कंप्लीटली नहीं हुआ है, तो ये नहीं है साइक्लिक कीटोन। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ग्रुप बचा हुआ है ये। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका भी जो है आगे अपघटन होता है और फिर फाइनली यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक कीटोन, ये है साइक्लिक कीटोन बनते हैं। और फिर साइक्लिक कीटोन का लास्ट में क्लीमेंशन रिडक्शन होता है, जैसे हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखा था उसी तरीके से यहाँ पे भी क्लीमेंशन रिडक्शन होता है और फाइनली आपका 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, जो कि आपका क्या है, साइक्लोपेंटेन। क्या है? साइक्लोपेंटेन। इसका थोड़ा सा आपको अगर मैकेनिज्म देखते हैं हम इसका, कि मैकेनिज्म किस तरह से होगा ये, तो डिकमैन रिएक्शन का डिकमैन्स मेथड, ठीक है, रिएक्शन देखते हैं इसका मैकेनिज्म, थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे यहाँ पे। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ इसके, जैसे कि वहां पे क्या था, ये 4 मेंबर रिंग कुछ इस तरीके से थी, ये C डबल बॉन्ड O O E T था, ठीक है, यही था, फाइन, तो चेक कर लेते एक बार, ठीक है, ये 4 ही कार्बन थे, 4 4 4 कार्बन थे और ये ओके, तो ये 2 अलग से है, फाइन, ओके। ये हमने लिया है O E T, ओके O E T। अब इसकी रिएक्शन करवानी है हमें सोडियम इथोक्साइड के साथ, फाइन, तो सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के हमें क्या होगा यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो आके कौन अटैक करेगा, सिंपल सा है, यहाँ पे अटैक करेगा एक मिनट, सोडियम इथोक्साइड के साथ अटैक करता है, वन सेकेंड, ये रहा सोडियम इथोक्साइड, फाइन। तो यहाँ पे ये क्या करता है, बेस का काम करता है, तो बेस का जब काम करता है तो यहाँ पे ये क्या है, CH2 ग्रुप लगा है ना, तो ये क्या है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ से ये एक CH2 ग्रुप का हाइड्रोजन जो है वो निकाल देता है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है, देखिए कैसे, ये C(OH)ATE, ओके C(OH)ATE, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज जाके सीधा अटैक करेगा इस कार्बन पर, जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये हो जाता है वापस से कार्बन सी, ओके, ये ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज और ये जुड़ गया था इससे, और ये OET रह गया यहाँ पे, और ये तो यहाँ पे C(OH)ATE था ही। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं वापस और यहाँ से OET निकल जाता है, तो ये बन जाता है C(OH)ATE और इस तरीके से, फाइन, ये बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमें पता है कि हमें क्या दे रखा है वहां पे, हाइड्रोजन H2O दे रखा है, हमें यहाँ पे जल अपघटन भी करवाना है, ठीक है, तो जब H2O दे रखा है, या फिर कहे H3+ या फिर H2O एसिड की प्रेजेंस में, दोनों एक ही बात है, ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ से OH आता है, यहाँ से OH- आता है, ये अटैक करता है इस पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस ऑक्सीजन पे, राइट, तो यहाँ पे देखो C(OH)ATE, ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ये OH हो गया, ये OET हो गया, ठीक है, ये OET हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वापस, ये OET बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया बाहर, तो ये बन जाता है हमारा C(OH)ATE, ओके। जब ये बन गया हमारा, ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है यहाँ पे देखो, बी कार्बोक्सिलेशन भी होता है, लास्ट में क्या होता है, नो, अगेन एक मिनट, हाँ, हीट किया जाता है इसको यहाँ पे, हीट किया जाता है, तो यहां से ये निकल जाता है CO2,
यहाँ से ये CO2 जो है वो निकल जाता है, और फाइनली क्या बचता है, फाइनली जो हमें चाहिए था वो बच जाता है यहाँ पे साइक्लिक कीटोन, ये बन गया हमारा साइक्लिक कीटोन। ठीक है, अब इस साइक्लिक कीटोन का हम क्या करते हैं, क्लीमेंशन अपचयन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्लीमेंशन अपचयन करवाते हैं HCl की प्रेजेंस में, राइट। मतलब कि चार हाइड्रोजन आके यहाँ पे अपचयन कराते हैं, दो हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन को लेके चले जाएंगे और दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे लग जाते हैं, तो फाइनली जो है यहाँ पे एक 5-membered रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। और ये क्या बना हमारा, साइक्लोपेंटेन। ये क्या बना, साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह से जो है वो डिकमन रिएक्शन को यूज करके आप साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ओके, मेथड समझ में आ गया, मैकेनिज्म क्लियर हो गया किस तरह से होता है ये, फाइन। नेक्स्ट जो है यहाँ पे थॉर्फ जिगलर मेथड। अब जो थॉर्फ जिगलर मेथड है इसका भी जो मैकेनिज्म है वो लगभग एक जो डिकमैन मेथड है उसके जैसा ही होता है। ठीक है, तो थॉर्फ जिगलर में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो एलिफेटिक डाइसाइनो यौगिक यूज होते हैं, ये क्या है, एलिफेटिक डाइसाइनो। डाइसाइनो क्यों कह रहे हैं, ये साइनाइड ग्रुप है, दो साइनाइड ग्रुप है और ये कोई रिंग नहीं है, ये एलिफेटिक, कोई एरोमेटिक यहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं है, ये पूरी तरह से एलिफेटिक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कोई एलिफेटिक फेटिक डाइसाइनो कंपाउंड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाई जाती है। तो बेस का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, बेस का काम कर रहा है यहाँ पे लिथियम डाई एल्किल एमीन, इसको क्या कहते हैं, लिथियम डाई एल्किल एमीन। ठीक है, तो ये यहाँ पे करता है बेस का काम। अब ये लिथियम डाई एल्किल एमीन इस एलिफेटिक डाइसाइक्लो के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, साइक्लिक इमीन का फॉर्मेशन करता है, साइक्लिक इम्यूनो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये साइक्लिक इम्यूनो कंपाउंड का आगे क्या होता है, जल अपघटन होता है, और जल अपघटन के द्वारा जब ये कंप्लीट जल अपघटन हो जाता है, यहाँ तक आके पूरा कंप्लीट जल अपघटन हो जाता है, तो यहाँ पे भी ये क्या बनाता है, अगेन यहाँ पे भी ये जल अपघटन द्वारा चक्रीय कीटोन का फॉर्मेशन करता है, चक्रीय कीटोन। हालांकि यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है पर ये हीट करेंगे तो यहाँ से ओटो निकल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करता है, चक्रीय कीटोन का फॉर्मेशन करता है, फाइन। अब यहाँ पे मुझे एक बीच में स्टेप देना चाहिए था, ये कोई बात नहीं, मैकेनिज्म देखेंगे उसमें देख लेंगे। ओके, तो ये चक्रीय कीटोन का फॉर्मेशन करेगा बीच में, और फिर जब चक्रीय कीटोन बन जाएगा, ओके, तो इस चक्रीय कीटोन का क्लीमेंशन अपघटन करवाया जाता है जिंक और HG की प्रेजेंस में, जिंक और HG के साथ। ठीक है, तो उससे फिर हमें फाइनली जो है वो क्या मिलता है, साइक्लो एल्केन मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे लिथियम डाई एल्किल एमिनो जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह यूज होता है। इसके अलावा ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, एक इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है और बहुत ही हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये रिएक्शन करवाई जाती है, राइट। इसके अलावा जो लार्ज साइज की रिएक्शन होती है, लार्ज साइज की जो रिंग अगर फॉर्मेशन करवाना हो हमें, तो हम थॉर्फ जिगलर मेथड को यूज में लेते हैं। इस मेथड को यूज में लेके हम बड़ी से बड़ी रिंग साइक्लोएल्केन का, रिंग वाली साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी दे रखा है, देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ना, इसमें यहाँ पे N कितने लिख लो आप, ठीक है, ज्यादातर जो है यहाँ पे N आप कितने लिख लो, आराम से जो है बड़ी रिंग बनाई जा सकती है, क्लियर। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि बड़ी रिंग वाले साइक्लोएल्केन्स के फॉर्मेशन के लिए थॉर्फ जिगलर मेथड को यूज में लिया जाता है। तो देखते हैं अब कि ये यहाँ पे एलिफेटिक डाइसाइनो से किस तरह से जो है वो साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन होता है, इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होती है पूरी है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं थॉर्फ जिगलर मेथड। ओके, थॉर्फ जिगलर मेथड में सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ज्यादा बीच में नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रही हूँ यहाँ पे कितने भी कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, N लिख दिया मैंने, ये कार्बन है और यहाँ पे जो है साइनाइड लगे हुए हैं, साइनाइड इस तरह से साइनो ग्रुप लगे हुए, इस तरीके से ही लिखे जाएंगे साइनो ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे लिथियम डाई
एल्कीन अमीन की। बेस का काम करता है एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला, या फिर ये वाला सबसे ज्यादा है। हम यहाँ से एक हाइड्रोजन ये क्या करता है, ये लिथियम लेके चला जाता है। यहाँ से बेस का काम क्या होता है, एक प्रोटोन निकाल देगा, तो यहाँ से एक प्रोटोन निकल जाता है। तो प्रोटोन निकलने से क्या होता है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पे ये साइन हो गया, राइट। ये माइनस चार्ज जैसे ही आता है ये सीधा इस कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ से ये शिफ्ट हो जाता है एक बॉन्ड, तो ये बन जाता है आपका ये CH2 बना, ये डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज क्योंकि इस वाले कार्बन ने अटैक किया था। ठीक है, इस वाले कार्बन ने यहाँ पे अटैक किया था और नीचे क्या है, यहाँ पे एक साइनो ग्रुप है ये वाला, क्लियर। अब क्या हुआ है, यहाँ पे देखो जो यहाँ से अटैक हुआ था, ठीक है, ये माइनस चार्ज यहाँ पे आया है, यहाँ से एक प्रोटोन निकला है, वो प्रोटोन कहाँ लग जाता है, इस माइनस चार्ज पे जाके लग जाता है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज हटके क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख लेंगे हम, क्लियर। तो ये इस तरह से पहला स्टेप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट में हमने कहा है कि अपचयन करवा रहे हैं हम, ओके। तो अपचयन किसका करवाएंगे, देखो सॉरी अपचयन क्या, जल अपघटन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे जल अपघटन के केस में सिंपल सा है कि जल अपघटन हम H3O+ या फिर H2O H+ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, एक OH- आएगा और सीधा इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर, तो ये बनेगा आपका, ये इसको डायरेक्ट लिख लो अब, तो ये यहाँ पे माइनस चार्ज और ये OH, ठीक है, माइनस चार्ज और OH, क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, देखो एक मिनट, ओके, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी जो माइनस चार्ज आया था तो जो हमारे सॉल्यूशन में हाइड्रोजन है वो लग जाएंगे। ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ से शिफ्ट होगा ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पे हमारा कंपाउंड CNH अगेन माइनस आएगा, ये बन जाएगा O, और यहाँ पे जो माइनस आया है इस पे अगेन क्या लग जाता है, प्रोटॉन जो निकलता है वो यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा इस तरीके से। फिर अगेन यहाँ पे क्या होगा, वापस से एक अटैक होगा माइनस का, ओके। तो ये वापस ये सब जगह ना एन लिख देना, इतना भी नंबर हो सकता है यहाँ पे कार्बन का, ठीक है, ओके। तो डबल वन एन, जैसे ही इसने यहाँ पे अटैक किया अगेन क्या हुआ, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ठीक है। ये वाले जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इस पे आया माइनस चार्ज, ये यहाँ पे आके जुड़ गया, ये NH2 था ही यहाँ पे, ओके। फिर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अगेन शिफ्ट हुए यहाँ पे और यहाँ से NH2 निकल गया, ओके। यहाँ से जैसे NH2 निकला है तो ये बना है डबल बॉन्ड OH, ओके। अब जो है ये हीट होता है, इसको हीट किया जाता है, तो जैसे ही इसको हीट किया जाता है ये बन जाता है हमारा, ये क्या होता है, हीट किया जाता है ना, तो ये जो CO2 है वो निकल जाता है, तो ये CO2 यहाँ से निकल जाता है, हाइड्रोजन जो है इधर लग जाता है कार्बन पे, ओके। तो ये जो है हमारा इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है, फाइन, ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। अब क्या है, फाइनली हमारा जो हर स्टेप में हमने ज्यादातर रिएक्शन में पढ़ा है, यहाँ पे जो है अब होगा कीटोन का फॉर्मेशन, H2O की प्रेजेंस में कीटोन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से एक NH3 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओल आके यहाँ पे लग जाता है फाइनली, ओके। देन यहाँ पे क्या होता है,
क्लीमेंशन रिडक्शन होता है HCl, चार हाइड्रोजन लग गए, फाइन। और ये जैसे हमने पहले भी किया है, दो हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं और दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके लग जाते हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन पे जाके दो हाइड्रोजन लग गए और ये इस तरीके से कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो ये जो पूरी रिएक्शन है ये फाइनली हमारा साइक्लो एल्केन बन गया है। अब ये नंबर जितना भी होगा उस हिसाब से उस एल्केन का नाम रख देंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आपको इस पूरी रिएक्शन में समझ में आ गया होगा कि ये थॉर्प जिबलर रिएक्शन जो होती है जिसमें क्या होता है, डाइसाइनो एलिफेटिक डाइसाइनो कंपाउंड जो हम यूज में लेते हैं और बेस और फिर जल अपघटन और डी कार्बोक्सिलेशन वगैरह प्रोसेस के द्वारा फाइनली हमारा जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है साइक्लो एल्केन, वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारे मेन कोर्स पर। ओके, तो ये था थॉर्प जिबलर मेथड, बड़ी रिंग साइज वाली एल्केन्स को साइक्लो एल्केन के फॉर्मेशन के। नेक्स्ट जो है वो लास्ट है डील्स एल्डर रिएक्शन, बहुत ही इजी से रिएक्शन है ये। ओके, क्या होता है यहाँ पे, एक तो होता है डाइईन, एक तो क्या होता है यहाँ पे डाइईन, और एक होता है डाइईनोफाइल। ठीक है, अब जो ये डाइईनोफाइल है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और डाइईन इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो डाइईनोफाइल जो है वो डाइईन्स पर अटैक करती है। तो वो किस तरह से जब अटैक करती है, तो ये देखो अब अटैक किस तरह से होता है, यहाँ पे ये यहाँ पे होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तब 200 डिग्री टेम्परेचर है तब, तो ये बन जाता है बेसिकली CH2। ये CH, ये बॉन्ड तो था ही, एक आगे और जुड़ गया तो ये हो गया डबल बॉन्ड। ये CH2 था ही यहाँ पे, इधर ये डाइईनोफाइल वाले कार्बन थे जो जिसने एक बॉन्ड CH2 के साथ बनाया डाइईन के, ये बॉन्ड वहां शिफ्ट हो गया था, तो अभी एक ही बॉन्ड बचा और यहाँ पे भी एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। पर हमें यहाँ पे दिख रहा होगा एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, पर हमें तो क्या चाहिए, एल्केन चाहिए। तो फिर जो है इस एल्कीन का अपचयन करवाया जाता है, रिडक्शन करवाया जाता है। दो हाइड्रोजन यहाँ पे आके क्या करते हैं, इस ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो फाइनली आपका एक साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों, छह कार्बन है यहाँ, अगर आप नोटिस करें तो छह कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, पांच और ये छह। तो इस तरीके से साइक्लो हेक्सेन का फॉर्मेशन डील्स एल्डर रिएक्शन, और ये जो प्रोसेस है इसे डील्स एल्डर रिएक्शन कहते हैं। तो डील्स एल्डर रिएक्शन प्रोसेस के द्वारा ये साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि कुछ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगे हुए हो, जैसे कार्बोनिल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड वगैरह, साइनो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, तो ये क्या होती है, रिएक्शन कमरे के ताप पर भी आसानी से हो जाती है। ठीक है, कमरे के ताप पर भी आसानी से हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। ये वैसे तो हमें क्या किया है, यहाँ पे 200 डिग्री का टेम्परेचर रखा है। क्या 200 डिग्री कमरे का टेम्परेचर थोड़ी होता है, मतलब कि हमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया तब ये रिएक्शन हुई। पर अगर हम क्या करें, इस डाइईनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप लगा ले, क्या इलेक्ट्रॉन आकर्षी, यानी कि ये बहुत ज्यादा डेफिशिएंट कर देगा इसको, तो बहुत जल्दी अटैक होगा यहाँ से। ठीक है, बहुत जल्दी अटैक होगा, तो ये क्या हो गया, फिर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो रिएक्शन कमरे के ताप पर भी हो जाएगी, आपको टेम्परेचर या किसी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी। सिंपल सा मेथड वही है वापस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ शिफ्ट होंगे, तो बेसिकली आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे ये CHO। ओके, फिर जो है इसका रिडक्शन हो जाता है और आपका साइक्लो एल्केन बन जाता है। ओके, नाउ अगेन क्या होगा, यहाँ पे भी वापस से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, ये इधर शिफ्ट हो गए और ये जो बॉन्ड थे वो इस सिंगल बॉन्ड पे शिफ्ट हो गए, तो अगेन ये क्या बना, आपका एक कंपाउंड बन जाता है, फिर इस बॉन्ड का रिडक्शन हो जाता है, राइट। फाइनल प्रोडक्ट ये कुछ भी बन सकता, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो साइक्लो एल्केन कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट जो है और डील्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है कि डील्स एल्डर रिएक्शन किस तरह से होती है। ओके,
यहाँ लास्ट वाला जो है ये, इसमें भी ये डाई इनोफाइल का ही काम करता है, ये यहाँ अटैक होगा, ये इधर शिफ्ट होगा इस वाले कार्बन के साथ, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाता है आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड। ये क्या था यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे जुड़ा हुआ था ये ओ, ठीक है। तो इस तरह से ये डेल साइडर रिएक्शन यहाँ पे होती है, तो ये कंप्लीट होती है डेल साइडर रिएक्शन। और हाँ, अगर डाई इनोफाइल साइक्लिक है ना, तो रिएक्शन और भी अच्छे तरीके से होती है। अगर ये डाई इनोफाइल साइक्लिक है तो रिएक्शन और भी अच्छे तरीके से कंप्लीट होती है। ओके, लास्ट जो है यहाँ पे वो है एडिशन ऑफ कार्बिन टू एल्कीन्स। ओके, एडिशन ऑफ कार्बिन टू एल्कीन्स, सिंपल सा है। ये कार्बिन हमने पढ़े हैं, कार्बिन इंटरमीडिएट। ओके, और यहाँ से हमने जो है लास्ट क्लास में जब इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे थे, तब उस टाइम ये भी पढ़ा था कि किस तरह से CH2N2 का प्रकाश के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या करता है, इसके साथ मिलके कार्बिन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से कार्बिन क्या बनती है, ये बनता है, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे अटैक करता है। पहले रिएक्शन देखते हैं, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बिन है, ये जाके यहाँ पे इंसर्ट कर जाती है। तो देखो किस तरह से होगी, CH3 CH CH2, सॉरी CH ही है यहाँ पे, CH2 नहीं है, और ये CH3, ये जो है ना एल्किन, ये यहाँ पे जाके इंसर्ट करती है। ये यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, मानो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ रिएक्ट बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ, और यहाँ पे एक ClCl तो है ही। इसी तरीके से ये जो कार्बिन बनी है यहाँ पे, ठीक है, वो भी रिएक्ट करती है, जैसे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर, CH CH, ये बॉन्ड टूट जाता है यहाँ से, एक यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन मान लो, तो ये हो गया H H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास बॉन्ड बनाएगा, ये इसके पास बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो इस तरह से आपके बीच में ये रिंग कितनी बनी है, ये रिंग बन गई है, साइक्लो एल्केन बन गया है, ठीक है। ये रिंग जो बनी है साइक्लोप्रोपेन हो रही है, ये साइक्लो एल्केन बन गया है, और ये CH3 CH3 सारे यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे मेथड थे साइक्लो एल्केन के फॉर्मेशन के। नेक्स्ट जो है हम इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। फाइन, थैंक यू।